तुम बोले बेटे क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारे फादर का? हाँ तो क्या हेडमास्टर साहब से तुम लोग को कुछ परेशानी है? गोलगतनी समाचार बटुए करहगर से रिपोर्टर बानी मोहम्मद शमशाद आलम जी। खबर के हेडलाइन सुनी, कपटिया के स्कूल में ग्रामीण कैले हंगामा, दू गो मास्टर साहेब आपस में जूझ गए। व्यवस्था के नाम पर शौचालय नहीं खे, खाना के नाम पर खाना पूर्ति होता है। खबर सब कुछ दिखाई भोजपुरिया समाचार, सब कुछ बताई भोजपुरिया समाचार। बस खबर के अंत तक देखब, लाइव लइकन के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। सरकारी स्कूल में आए दिन कहीं ना कहीं हंगामा, आपस में शिक्षक ही शिक्षक पे टूट पड़ता रहे, ऐसा अक्सर मामला देखे के मिलता है। करहगर प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के कपटिया में कार्यरत प्रधानाध्यापिका सहायक शिक्षिका के बीच तनाव के लेके शिक्षा के व्यवस्था पे विफल ग्रामीण बुधवार के दिन विद्यालय परिसर में जम के हंगामा कैलन। ग्रामीण जितेंद्र सिंह, हरिवंश सिंह सहित दर्जनों ग्रामीण बतावत रहन कि विद्यालय में दोनों शिक्षिका एक दूसरा पे आरोप और प्रत्यारोप करत, गाली गलौज से विद्यालय के शैक्षणिक माहौल समाप्त कर दिले बा लोग। ये लोग बतावत आ लोग कि दोनों शिक्षिका के बीच जम के मारपीट हुई। छात्र से मिलल सूचना पे पहुँचल अभिभावक घटना के जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के देनी, लेकिन उ स्थल पे ना पहुँचनी। विद्यालय में हजारों रुपया के राशि शौचालय पे खर्च कइल बा, लेकिन आज तक शौचालय के मरम्मत ना कइल, जौना से विद्यालय के छात्रा के शौचालय जाए में काफ़ी परेशानी के सामना करे के पड़ेगा। लोग बतावत रहन कि प्रधानाध्यापिका सीरी बेगम मध्याह्न भोजन में कटौती करके लइकन के आधा पेट भोजन उपलब्ध करा रहल बड़ी। शिकायत कइला पर कौनो कार्रवाई नहीं खे कइल जा। विद्यालय में प्रत्येक वर्ष विकास के नाम पे राशि आवंटित कइल जाला, लेकिन विगत 10 वर्ष से विद्यालय के पेंट पोचारा भी नहीं खे करावल गई। दिनों दिन समाप्त हो रहा शैक्षणिक व्यवस्था से चिंतित गांव के लोग बतावत रहन कि प्रधानाध्यापिका के स्थानांतरण अन्यत्र विद्यालय में कइल जाओ, कोनो और विद्यालय में कह दिया जाओ। विद्यालय में हंगामा के सूचना पे पहुँचल मुखिया निरंजन चौरसिया बतावतनी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के मोबाइल रिसीव नहीं खन करत आ ना ही विद्यालय में व्यवस्था के समाधान करत रह। मुखिया जी जिलाधिकारी से मांग कैले बानी कि विद्यालय में व्याप्त अनियमितता के जाँच करके कार्रवाई कैल जाओ, ताकि शैक्षणिक माहौल कायम हो सके। रउरा सबके बता दी कि सूबा के मुख्यमंत्री के द्वारा विद्यालय के निरीक्षण करे के जिलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश भी मिलल बटुए, लेकिन स्थिति ई बा कि लड़का खुद गवाही दी है, चीख चीख के बताई हैं कि कवना तरीका से विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था गिर गिर बा। मध्याह्न भोजन के नाम पर आधा भोजन करावल जाता, शौचालय के नाम पर गंदगी के अंबार भरल पड़ल बा, ये बच्चा खुद बताई हैं। लाइव देखी लेकिन उरा से निहोरा बा। करहगर के खबर पावे खातिर चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करी। धन्यवाद। सुनी क्या नाम है तुम्हारा और फादर का नाम तुम्हारा? जितेंद्र सिंह। किस क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास। तो तुमको क्या दिक्कत है यहाँ? हमको ये दिक्कत है कि यहाँ पे शौचालय अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं बनता है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। तो इसमें किसका दोष है? प्रिंसिपल मैम का। अच्छा अच्छा। जो क्लास में आता है पढ़ाने के लिए, बुक वो नहीं मिलता है हम लोग को पढ़ने के लिए। अच्छा, बुक तो ऊपर से आएगा तभी मिलेगा। बुक आया है क्लास में, है पर नहीं मिलता है। क्लास में है? हाँ। कैसे तुमको जानकारी क्लास में? क्लास में रखा है। तुमको नहीं जानकारी है? और क्या तुम बोले बेटे क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारे फादर का? हाँ तो क्या हेडमास्टर साहब से तुम लोग को कुछ परेशानी है? अच्छा अच्छा, तुम्हारे क्या खाना में रहता है? पानी रहता है। अच्छा, मैडम से कहने पर क्या होता है? ठीक है ऐसा ही बनेगा।
और ये तुमको भी कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बोलो? बोला जा सबको यहाँ पर कोई दबाव कोई नहीं है। अगर हम लोग इतने बड़े हो गए हम लोग कहाँ जाएंगे? लगेगा। अच्छा अच्छा, क्या जी खाना पीना में शिकायत है? क्या दिक्कत है? खाना अच्छा से नहीं बनता है उसमें, और दाल बनता है उसमें पानी डाला जाता है, और शौचालय यहाँ पर बंद रहता है और जाना पड़ता है खेत में। अच्छा अच्छा, उसको अच्छा करना है। अच्छा। कॉल यहाँ पर आता है तो बहुत देर 10-20 मिनट चलाने पर कॉल चलता है, एक कॉल है वो चालू नहीं। झगड़ा क्यों हुआ तुम लोग को मालूम था कि झगड़ा क्यों हुआ दोनों मैडम जी में? किसका दोस्त था? वही मैडम का। किसका, कौन मैडम? प्रिंसिपल का। हैं, प्रिंसिपल का। अच्छा अच्छा, तुम ही थी उसमें जी? तुम थी? हाँ, हाँ। ये सब सारे बच्चे उस वक्त खेल रहे थे सर, इन लोग को कुछ भी कहानी पता ही नहीं है। चलिए, करने वाले नहीं है, फैसला करने वाले आप लोग के अधिकारी हैं। हम लोग बस, तुम लोग को भोजन कम मिलता है क्या? दो बार जाते हैं मांगने के लिए तो बहुत ही ना की तुम्हें और बच्चे नहीं खेलना क्यों इतना? हाँ ना, तुम्हारा कल्चर उठा के तू बोला सही है, पहले तो पहले कह रहे कल्चर को लोग चावल कम भी हो जाता है। हाँ, अभी चावल कम हो जाता है, कभी दाल कम हो जाता है, कभी सब्जी कम हो जाता है, यही शिकायत है। और उसके माने कहते हैं ना कि 25 ग्राम होता है, बताए कर 25 ग्राम आलू 50-25 ग्राम दाल मिलता है, उतना ही मर मिलेगा खाने के लिए। आदमी क्या करते हैं स्कूल पे आके?